morning, students. How are you? Fine? Okay. आज से हम लोग जो है अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं. ठीक है, 25 लेसन चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, 1 to 25 चैप्टर आपका फर्स्ट सेम का पोर्शन है. ओके, तो अब हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं. तो रिवीजन आपको जो है CEW में जहाँ 25 चैप्टर खत्म हो गए हैं वहीं के एक पेज छोड़ के और उसके बाद ऐसे यहाँ पर ऐसे लिख देने का हिंदी रिवीजन. यहाँ पर देखो, यहाँ खत्म हुआ ना, तो यहाँ पे हिंदी रिवीजन सेमिस्टर 1 ऐसे लिख के यहाँ पे रिवीजन चैप्टर नंबर 1 to 25. ओके, तो आपको टू नेम फर्स्ट वाला जो आपका शुरू हो रहा है, टू नेम्स ऑफ ईच है ना. हर एक जो जो चीजें यहाँ पे दी हुई है नंबर डाल के उसमें आपको हर एक चीज के टू नेम्स लिखने हैं. ओके, जो जो आपके बुक से कनेक्टेड है और जीके में तो एक आधा कुछ दूसरा भी पूछ लेते हैं तो हमको लिखना आना चाहिए. ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर है कंट्रीज. अब कंट्रीज तो बहुत सारी है, बराबर है ना. हमारे नेटिव कंट्रीज हमने बहुत सारी पढ़ी थी, हमारे इसमें बहुत सारे जो है चैप्टर में आ चुका है कौन कौन सी कंट्री के स्पोर्ट्स मैन होते हैं, बराबर है ना, कौन से कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल होता है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें कोई भी कंट्री के नाम लिख दो. हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया की कोई भी, हमारा खुद का ही इंडिया है वो एक नाम लिख दो. नेबरिंग कंट्रीज बहुत सारी है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बराबर है, अमेरिका है, कोई भी कंट्री का नाम आप लिख सकते हो. ठीक है ना, नेपाल है, श्रीलंका है ना, तो कोई भी कंट्री के आप नाम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके, जो आपको स्पेलिंग इजी लगती है वो लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो है वो इंडिया और बांग्लादेश लिखा है तो आपको वही लिखना है खाली, है ना. सेकेंड नंबर है इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज का हमारा पूरा चैप्टर है, तो आपको जो जैसे एयर एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, आपको शुगर इंडस्ट्रीज, टी इंडस्ट्रीज थी, है ना, लोकोमोटिव्स थी, तो जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं आपको. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आयरन स्टील एंड शुगर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्रीज. ठीक है, फिर थर्ड नंबर में है लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स आपको बहुत सारे आपकी बुक में दिए हुए हैं, बराबर है ना, जो कि हमारे स्मारक होते हैं और जो अभी तक जो याद है, जिनकी याद में बने हुए हैं, बराबर है ना, यादगार बन चुके हैं, उनको लैंडमार्क्स बोलते हैं. ठीक है ना, तो काफी है हमारे इसमें बहुत सारे, कम से कम 10 या 12 ऐसे दिए हुए हैं, तो उसमें से मैंने 2 निकाले हैं, ताजमहल एंड अजंता केव्स. ठीक है ना, बहुत पुराने समय से बहुत धर्म चला था जब से बनी हुई है अजंता केव्स, मालूम है आपको. और ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था, है ना, मुगल एम्परर्स आए थे तब. तो ये आपको 2 लैंडमार्क्स लिखना है. गेट वे ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट हाउस है, बहुत सारे आपके इसमें दिया हुआ है, बुलंद दरवाजा है, सारनाथ टेम्पल है. ठीक है, तो उसमें से आप कोई भी लिख सकते. फिर है वाइल्ड एनिमल्स, तो सबको पता है बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो, लायन एंड टाइगर जो जंगल में रहते हैं उसमें से आपको उनके बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसमें से आपको टाइगर है, डियर है, बियर है ना, मंकी है जो इसमें रहते हैं, एलिफेंट है, तो कोई भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन है सी एनिमल्स, है ना. सी एनिमल्स में आपको सी एनिमल्स के आपके 2 या 3 चैप्टर हैं, है ना, उसमें आप स्टार फिश लिख सकते हो, सी हॉर्स लिखवाया है मैंने, फिर उसके बाद फ्रॉग, क्रोकोडाइल तो होते ही है वैसे भी समुद्र के अंदर भी होते ही है ना, शार्क फिश है, जेली फिश है, बराबर है, तो ये भी आप लिख सकते हो उसके अंदर. ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया है सी हॉर्स एंड ब्लू वेल. ठीक है, ब्लू वेल आपको लिखना, ऑक्टोपस भी लिख सकते हैं इसमें, फिर समुद्र में जो रहते हैं ना उनके नाम लिखना है. फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स तो बहुत सारी है ना, वेजिटेबल का चैप्टर हमको इसमें भी आ गया है, इसमें हिंदी में भी आ गया है वेजिटेबल का चैप्टर, है ना, तो उसमें से भी आप कोई भी वेजिटेबल लिख सकते हो. इजी स्पेलिंग है पोटेटो एंड टोमेटो, लेडीज फिंगर है, पम्पकिन है, ब्रिंजल है, बिटर गार्ड है, कोई भी आप लिख सकते हो उसके अंदर. ठीक है ना, लेकिन जो इजी स्पेलिंग लगती है हमको वही लिखना चाहिए, क्योंकि कभी रॉन्ग भी हो सकती है, जो परफेक्ट है वो लोग लिख ही सकते हैं ना, कोई भी वेजिटेबल लिख सकते हो आप, ऑनियन है, ब्रिंजल है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स कुछ भी लिख सकते हो. फिर है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का आपका पूरा चैप्टर है, तो कोई भी रिलीजन का कोई भी फेस्टिवल आप लिख सकते हो, बराबर है ना, क्रिसमस, ईद, है ना, ओणम, बराबर है, गुरु पर्व, ये सब आपके वो बुक में दिए हुए, तो वो स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो इसमें. जैसे मैंने आपको दीपावली या होली लिखवाया, तो इसके बदले में भी आपको अगर कोई सा लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसकी स्पेलिंग आपको लर्न होना चाहिए. फिर है स्टेट्स,
इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं, पूरा हमने पढ़ा है स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। तो स्टेट्स में से जो आपको लिखना है आप उसमें छोटी छोटी स्पेलिंग अगर आपको याद करना है तो वो भी कर सकते हैं, गुजरात एंड बिहार, गोवा, है ना, इजी इजी स्पेलिंग है, कोई हमको लिखना चाहिए, ठीक है। फिर है कैपिटल्स, अब ये जो ऊपर लिखा है उसी की कैपिटल्स लिख दो, ठीक है, कोई भी कैपिटल लिख सकते हैं 38 में से जो आपको इजी लगती है। गुजरात की गांधीनगर आपको याद करते ही हो, है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो तो आपको इसमें गांधीनगर लिखना है। दूसरा आप कोई भी लिख सकते हो, इतने सारी आपको लिखवाई थी मैंने, शिमला, है ना, हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला। फिर है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आपको सब पता है, इंडोर गेम्स और आउटडोर कोई भी आप लिख सकते हो उसमें, हॉकी है, फुटबॉल है, फिर बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बराबर है ना, वो सब आप लिख सकते हो। फिर है बर्ड्स में, बर्ड्स में आपको सारे नाम याद हैं, है ना, कि पैरेट और पीकॉक जो इसी पढ़ते हैं वो मैंने नाम आपको यहाँ पर दिए, ठीक है, बहुत सारे नेम्स हैं उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, पिजियन है, पेंगुइन्स है, ऑस्ट्रिच है, ये सारे बर्ड्स होते हैं तो इसमें से आप कोई भी नाम लिख सकते हो जो इसी लगते हैं वो मैंने लिखे हैं इसमें। ऑथर्स हैं आपको, ऑथर्स में कालिदास हैं, अबुल फजल, ऑथर एंड बुक्स का आपको पूरा चैप्टर है एक, उसमें से मैंने इसमें से दो निकाले हैं, उसमें बहुत सारे हैं, एक और जवाहरलाल नेहरू है, फिर विष्णु शर्मा है ना, जो इजी इजी थे वो मैंने आपको निकाल दिया इसमें, अनिता दास है, तो उसमें बहुत सारे हैं, वो आप उसमें से कोई से भी लिख सकते हो, बराबर, समझ में आ गया सबको। इसके अलावा भी अगर आपको टू नेम्स ऑफ ईच कोई आते हैं तो हमको लिखना आना चाहिए, आ रहा है समझ में, ऐसे तो मैंने सारे ले लिए हैं आपको, बराबर है, सारे आपके आ ही गए हैं इसमें 12 में, लेकिन फिर भी कभी एक हद दो कोई दूसरे आते हैं तो हमको लिखना आना चाहिए क्योंकि हमने पूरी बुक जो है रिवाइज कर ली है। और अब ये रिविजन अगर आप पूरा करते जाओगे, सपोज मैंने आपको ये टू नेम्स ऑफ ईच एक दिन भेजे हैं, दूसरे दिन से आपके फिल इन द ब्लैंक्स चालू हो जाएंगे, दो तीन पेज के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे थर्सडे को, बराबर, हर थर्सडे आता है ना आपका, तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, बराबर है, फिर मैच द फॉलोइंग आएगा, बराबर है, ऑड वन आउट का एक आएगा पेज, है ना, तो इस तरीके से आपको जो है पेपर स्टाइल जैसा आपका होता है उसी का फिर वन वर्ड आंसर्स आएंगे, बराबर है, फिर बड़े आंसर्स आएंगे, थोड़ी सी पजल्स आपको मैं करवाऊंगी, ऐसे आपकी एग्जाम आएगी तब तक आपका रिविजन कम्प्लीट हो जाएगा, ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, बराबर है, और पढ़ते रहो सब लोग, है ना, अभी तो टेस्ट चल रहे हैं आपके तो बराबर टेस्ट करना सब लोग, है ना, जिसकी भी वर्कबुक वगैरह रह गई वो कंप्लीट कर लेना क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद ही जो है आपका रिवीजन जो है वो ये होगा, आपका रिवीजन चेक करूंगी मैं सबका, ठीक है, तो आपको अभी हिंदी का भी रिवीजन भेजूंगी मैं, हिंदी में आपको पत्र वगैरह आज भेजा है मैंने, तो पत्र वगैरह वो लिख लेना हमारे लड़के, ये तो हो ही गए हैं, निबंध तो हो ही गए, बस खाली पत्र आपका बाकी था, उसके बाद से फिर मैंने रिवीजन भी भेजा है हिंदी का, फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स का रिवीजन जो है वो आपको किसमें लिखना है, सीडब्ल्यू के पीछे लिखना शुरू कर देना जहां आपका पाठ खत्म होता है, बराबर है, वहीं से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये आपको फिलअप्स भेजे हैं मैंने आपको और एक पत्र भेजा है, पत्र जो है ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है, ओके, चलो बाय।